डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल के बारे में। दोस्तों, इसमें से वैसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन अब नए सिलेबस के अनुसार इसमें से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इस टॉपिक को करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम थ्रस्टोन स्केल, गुडमैन स्केल, लाइकर्ट स्केल और सिमेंटिक डिफ्रेंशिएट स्केल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए गुणात्मक अनुसंधान के अंदर इन स्केल का यूज किया जाता है और इसीलिए इनको एटीट्यूडनल स्केल बोला जाता है। और एक और तरह के स्केल होते हैं, मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल, उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। वो स्केल अलग है और ये स्केल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से मिलते हुए है, तो इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये देखिए, सबसे नंबर एक पे आता है दोस्तों हमारे पास थ्रस्टोन स्केल आता है। थ्रस्टोन स्केल क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। थ्रस्टोन स्केल आर आल्सो कॉल्ड इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल। ये देखिए दोस्तों, ये चीज हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहीं पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पहले आ चुका है यूजीसी नेट के अंदर, थ्रस्टोन स्केल को और किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसको दोस्तों इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके अंदर दोस्तों, इट इज यूज टू ट्रैक बिहेवियर, एटीट्यूड और फीलिंग टुवर्ड ए सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के प्रति किसी व्यक्ति की क्या फीलिंग है, क्या बिहेव है और क्या एटीट्यूड है उसका, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको मेजर करने के लिए हम इस स्केल का यूज करते हैं, थ्रस्टोन स्केल का यूज करते हैं। दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर इशू और टॉपिक वेयर ईच स्टेटमेंट हैज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि किसी सब्जेक्ट के प्रति स्टेटमेंट होती है यहाँ पे और हर स्टेटमेंट का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि हम बात करके चले, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, वो कहता कि साइंस मेरे को पसंद है, वो साइंस कितनी पसंद है, एक से लेके पांच तक हमें उसको नंबर दे दिए, स्ट्रांगली एग्री, एग्री और नेचुरल और स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह से हम वहाँ पे नंबर दे देते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पे नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पिछले मेजरमेंट स्केल की बात करें, नॉमिनल स्केल की बात करें, तो दोस्तों उसके अंदर नॉमिनल स्केल के अंदर स्टेटमेंट का नंबर नहीं होता था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना इस चीज़ के अंदर। थ्रस्टोन स्केल के अंदर हम स्टेटमेंट का नंबर देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं हर स्टेटमेंट की। अगर कोई अस्वीकार कर रहा है किसी चीज़ को, तो उसका हमें नंबर देना पड़ेगा वहाँ पे। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे रिस्पोंडेंट एटीट्यूड टुवर्ड द टॉपिक एज फेवरेबल और अनफेवरेबल, यानी कि कितना वो लाइक करता है, कितना अनलाइक करता है, हर चीज़ का वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिख जाएगी। और आगे हम यहाँ पे दोस्तों, आप हिंदी में भी देख सकते हैं और यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी दिया हुआ है। और इन देखिए दोस्तों, ये जो स्केल है, स्केल को आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि हिंदी में इनके वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, हिंदी में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इनको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों गुडमैन स्केलिंग के बारे में बात करते हैं। गुडमैन स्केलिंग इज आल्सो कॉल्ड स्केलोग्राम एनालिसिस, तो इसको स्केलोग्राम एनालिसिस के नाम से पुकारते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह इस विचार पर आधारित है कि वस्तुओं को निरंतरता के साथ इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एक व्यक्ति जो किसी एक वस्तु से सहमत है,
वह दूसरी वस्तु को भी स्वीकार करेगा। देखिए इसको मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है स्केल, कोई व्यक्ति अगर पीछे की तीन स्टेटमेंट से एग्री है तो वो चौथी स्टेटमेंट से भी अपने आप एग्री होगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपको, जिससे आपकी आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर एक पे हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, टीवी पर अश्लील प्रोग्राम समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है, किसी कोई व्यक्ति वो ये चीज़ मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। नंबर दो पे बच्चों को अश्लील टीवी शो देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये भी वो स्वीकार कर रहा है। टेलीविज़न स्टेशन प्रबंधकों को अपने स्टेशन पर अश्लील कार्यक्रम की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये बात भी वो स्वीकार कर रहा है। तो दोस्तों जो व्यक्ति ये तीन बात स्वीकार करेगा वो ऑटोमेटिकली जो स्टेटमेंट नंबर फोर है वो भी स्वीकार करेगा। सरकार को टीवी से अश्लील प्रोग्रामिंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति इन स्टेटमेंट को ऊपर वाली को स्वीकार करेगा वो स्वाभाविक स्टेटमेंट नंबर फोर को भी स्वीकार करेगा। तो इस स्केल के अंदर, गुडमैन स्केल के अंदर इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ये कंटिन्यूटी इस तरह की होती है कि पीछे की अगर कोई व्यक्ति स्टेटमेंट सेलेक्ट करता तो वो आगे की भी सिलेक्ट करेगा। तो इसके अंदर ये होता है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों लाइकर्ट स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए इट आल्सो कॉल्ड द सुमेटेड रेटिंग स्केल। दोस्तों देखिए हर स्केल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर स्केल का एक अलग नाम से भी पुकारा जा रहा है, ये सभी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है कि इस स्केल को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसे सुमेटेड रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। किसी विषय के संबंध में कई कथन विकसित किए जाते हैं, उत्तरदाता दृढ़ता से सहमत हो सकता है या फिर असहमत हो सकता है या फिर तथस्थ हो सकता है, यानी कि नेचुरल वो हो सकता है। ये सेम कुछ कुछ मिलता जुलता ये दोस्तों हमारा ऊपर वाला जो स्केल था ये था थ्रस्टम स्केल था, उससे ही कुछ कुछ मिलता जुलता है। ये देखिए इसके अंदर भी दोस्तों कोई जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओनली यूएस सिटीजन शुड बी अलाउड टू ऑन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। तो ये कह रहा कि जो यूएस के सिटीजन है उन्हीं के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होने चाहिए, इसके बारे में इन्होंने ये स्केल दिया हुआ है। स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, नेचुरल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, यहाँ पे इन्होंने इसके सामने यहाँ पे स्कोर भी लिखा हुआ है इनका। तो ये कुछ कुछ वहाँ पहले वाले से मिलता हुआ है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों। और देखिए वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं दोस्तों, तो आप इनके बारे में बेसिक समझ रख लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास है सिमेंटिक डिफरेंशिएट स्केल के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये ओसगुड, शूची और टेनेवम द्वारा बनाया गया था 1957 के अंदर। इस स्केल के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम टू यूज़ द टेक्निक ए नेम और कॉन्सेप्ट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ सीरीज ऑफ 7 पॉइंट स्केल एंकर्ड बाय द बाइपोलर एटीट्यूड। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी नाम को, किसी कॉन्सेप्ट को टॉप लेवल पर रख दिया जाता है। और उन यहाँ पे कहा है ना कि बाइपोलर एटीट्यूड, यहाँ पे दो एटीट्यूड रखे जाते हैं, यानी कि दो चीज़ें रखी जाती है, सहमत या असहमत कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उनके उन दोनों के बीच में 7 पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट के अनुसार जो उत्तरदाता है वो अपने अनुसार उनको सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए सैम्पल फॉर्म फॉर अप्लाइंग द सिमेंटिक डिफरेंशिएट टेक्निक यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम मैगजीन जो है बायस्ड है, अनबायस्ड है, वो हमें बताना है कि टाइम मैगजीन के अंदर जो कंटेंट आते हैं वो सही आते हैं या फिर बायस्ड आते हैं, वो किस तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ कि ट्रस्ट वर्थी, टाइम मैगजीन जो है ट्रस्ट वर्थी है या नहीं है, अनट्रस्ट वर्थी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। अगर हमें लगता है कि हम 7 में से इसको 4 नंबर देना चाहेंगे तो 4 पे इस पे टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, बाइपोलर एटीट्यूड का यूज़ होता है, ये पहले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसके अंदर दोस्तों
मल्टी वेरिएंट फैक्टर एनालिसिस का यूज होता है, आप इसको भी देख लेना। दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दे रखा है, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं। और वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आज तक नहीं आए, लेकिन आपको बेसिक समझ होना ज़रूरी है। और इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, वो हम लाइव मॉक टेस्ट में आपको करवाएंगे, तो आप लाइव मॉक टेस्ट ज़रूर देना ताकि आपको समझ में आ सके कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इवनिंग में जो हम थ्योरी करवाते हैं उसी का सुबह हम लाइव मॉक टेस्ट भी लेते हैं, उसके अंदर हम 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन उसमें हम कवर अप करवाते हैं। आपको लाइव मॉक टेस्ट कैसे लेना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारी ऐप निमिज नेट इंस्टॉल कीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको चैट के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए चैट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आएगा फरवरी 2021 बैच वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डेली के डेली लिंक डालते रहते हैं, जैसे सुबह 9 बजे हमारा लाइव मॉक टेस्ट होता है तो हम इसको रात को या सुबह 7 बजे इसमें लिंक डाल देते हैं। आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ जाता है या फिर आप मैन्युअली ऐप में आके यहाँ पे चैट पे भी इस लिंक को ले सकते हैं और बिल्कुल आसानी से हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।